रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। श्रीनगर हाईवे पर पेशावर मोड़ के मकाम पर भी कंटेनर्स रख दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदा अक्सा खुर्शीद से। अक्सा बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त हम मौजूद है रेड जोन में। हम मौजूद है रेड जोन को एक बार फिर से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन मुजम्मिल अगर आपको दिखा सकें तो मेरे अकब में जो कंटेनर्स की एक दीवार यहाँ पे खड़ी कर दी गई है। आज सुबह यहाँ क्रेन के थ्रू जो है यहाँ पे डबल लेयर रेड जोन में कंटेनर्स की लगाई गई है और तमाम का जो दाखिली और खारिजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ता जो है ट्रैफिक के लिए, एक सिंगल लाइन जो है वो खोली गई है और यहाँ पर जो सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन हैं, दफातरी मुलाजमीन हैं, उनको यहाँ पर दाखिले की इजाज़त दी गई है। और दूसरी जानब अगर हम बात करें तो जो आम शहरी हैं वहाँ पर उनका दाखिला जो है वो ममनू कर दिया गया है और यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी चेकिंग के बाद इजाजत दी जा रही है अंदर जाने की। मेरे में आप देख भी सकते हैं ड्यूटी भी सख्त कर दी गई है। और दूसरी जानब अगर हम बात करें तो कल इस्लामाबाद में दो अहम एक्टिविटीज़ भी हैं। एक जानब पी टी आई के तरनोल में जलसा भी है और दूसरी जानब जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुबारक सानी का केस भी होने जा रहा है। और दूसरी जानब अगर हम बात करें तो कंटेनर्स यहाँ पर इसके साथ साथ ना सिर्फ रेड जोन में बल्कि सरीना चौक और नादरा चौक को भी कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इसके बाद जो शहर रास्ते बंद होने के बाद शहरों को मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं आपको।